गाइस पहले हम लोग क्योंकि अक्षत को कुछ क्वेरी है तो एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे किस में बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगेन अगर आपने पिछली एक्सरसाइज कुछ भी नहीं भी की है, कुछ भी नहीं भी समझा है, तो भी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। बट ये बकवास आदत मत डालो कि पिछली एक्सरसाइज नहीं कर रहे और यहाँ बैठ जा रहे हैं। कहाँ गया वो? हाँ ठीक है ना, थ्री नहीं मैं का बता पार्ट रहा हूँ, वीडियो बाकी नहीं है नहीं वो मैं जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, यस अक्षत बोलो बेटा, कौन सा वाला? क्वेश्चन क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वाला सेकंड वाला। थ्री है ना बेसिकली। हाँ पूरा क्वेश्चन चलिए पूरा देखिए, डी वाई ऊपर तो ये कितना इजी है तो यार। वही तो अपन फोल्डर्स स्कूल में वो समझा ही नहीं, उसको पहले वाई से मल्टीप्लाई करना है, क्यों वाई से फॉर्मूला मल्टीप्लाई करना लिखना है? है, इजी पीजी देख बहुत वाई नीचे रख देना फिर नहीं, दोबारा और वाई। मैं करके दिखा रहा हूँ, बट देखो बचे हुए अगर आए तो ये कैसे नहीं होता रहा। डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वन डी एक्स। सर वो लाहौटी आएगा तो भेजना मेरे पास पहले। हाँ तो क्या कंफ्यूज हुआ मुझे पहला था? मैंने उसमें वाई को पहले पूरा मल्टीप्लाई कर दिया था स्कूल में, मैम ने वैसे ही बोला, मैम ने बोला वाई को मल्टीप्लाई रादर तो ये कर। कभी करना इसलिए नहीं कि अगर मल्टीप्लाई तेरे को फैक्टराइज फैक्टर बना के तेरे को यहाँ पे लाना पड़ता है बेटा। तो कोई और क्वेश्चन तो कंफ्यूज हुआ पक्की बात है। हाँ नहीं या यार मैम, मैंने उसकी बुक में मार्क करा था कॉलेज या में, मैम फोर्थ का फर्स्ट था। ठीक है, अब ये देख ये वाला भी तेरे को इस बता रहा हूँ, ए की पावर एम माइनस ये तो एन का अपॉन मतलब में ए आ की पावर जाएगा एम ना, अपॉन ए ई की पावर बाय अपॉन एन, ई एक्स हो जाएगा, वो परफेक्ट। बोल रहे तो वो हो गया था, बाकी पूरा हो गया था बस तो तू ही थ्योरी तो खत्म हो गई सॉरी सॉरी, थी। मैं सेकंड का सेकंड देख रहा, सॉरी माय बैड। अब ये देख बेटा प्लीज बच्चा लोग प्लीज देख, पहले ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई, ये माइनस ऐसा लिखा है मैंने, ठीक है ना। हाँ इधर उधर अब मैं करूँगा तो वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स, और ये सॉरी डी वाई भी, सॉरी ये खत्म। इंटीग्रल इंटीग्रल ठीक है, यानी मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैंने अक्षत को इतना पढ़ते हुए आज तक नहीं देखा है। मैंने नहीं देखा 5 साल हाँ में, हाँ किधर अच्छी जाना बात, है नहीं बहुत अच्छी बात। 22 साल में? अच्छा 12 साल मतलब 22 साल में कहाँ से हो कहाँ? नहीं इम्प्रेसिव अक्षत कि तू कर रहा है अटेम्प्ट, सर, आगे इट विल बढ़ते हैं हेल्प कभी यू। आप एक हफ्ते का रुको फिर, नहीं अभी नहीं नया नया आया प्लीज़ आई है। होप तू कंटिन्यू कर, क्योंकि सही टाइम पे थोड़ा सर सीरियस आपके हुआ है एक्सपीरियंस से आपको क्या सो लगता है कंटिन्यू वो बिलीव करना। करेगा एक हफ्ते बाद भी ऐसा? अगर वो आपको कर नहीं रहा है लगता तो अच्छा होगा उसके लिए, लेकिन नहीं आपको तो पता जय चल माता जाएगा। दी। नहीं, सर बोल रहे कि मैं मैं कर रहा कंटिन्यू वाला हूँ इसलिए सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि उसने कभी स्टार्ट ही नहीं किया था। सो कंटिन्यू वाला अब देखते हैं होपफुली। सर वैसे एग्जाम मैंने कैसे हुआ अक्षित का फिर? 10th में भी सुना था, ही वॉज स्टडिंग, बट मैंने सुना था अरे वो ऑनलाइन था, वही बहुत वही गलत वही। हाँ तो मैंने गलत सुना होगा क्या पता नहीं, सुना सो नेवर माइंड। अब गाइस जो हम लोग आगे नया से पार्ट आप स्टार्ट कर बताना। रहे हैं, ठीक है दैट एक सेकंड क्या, हाउ इज जेड? किया है? हाँ उसको पूछना वो पास हो जाएगा वीडियो पे, वीडियो पे वो पूछो आ रहा ना, है वीडियो पे, उसने बोला मैंने चालू कर दिया, आज मैं किसी से बात नहीं और नहीं करे। हमको बता रहा था सर, सर मैंने सुनना कि जेड बोला बोला पास हो उस जाएगा। दिन का सच अच्छा बता तो उसने यही आंसर भेजा है बोला कि मेरे लिए हाँ पास हो जाऊंगा, हाँ। ठीक है आई एम होपिंग कि अभी वीडियो के भरोसे ही बट वो कर रहा है। अब सुनिए ये जो फॉर्मेट है ना, दिस फॉर्मेट इज अ न्यू फॉर्मेट, न्यू फॉर्म फॉर यू। देखो अब हम लोग जो कर रहे हैं, आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, आप एक कुछ नई चीज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसा कुछ पढ़ने वाले हो, ठीक है। प्लीज़ एक बार पहले मुझे पूरा लिखने दो, लिख के देखने में कुछ समझेगा तो नहीं स्टार्टिंग में, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे। बट जो ये अभी मैं करा रहा हूँ वो नए पेज पर लिखना, क्योंकि आपको ये रिविजिट करना पड़ जाएगा। अगर आप एक इक्वेशन को डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी टाइम्स वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में लिख पा रहे हो, वेर पी जो है उसके अंदर और कोई वाई वगैरह नहीं है, भले एक्स हो जाए कॉन्स्टेंट हो जाए चल जाएगा, और क्यू में भी एक्स हो जाए कॉन्स्टेंट हो जाए चल जाएगा, बट कुछ और वाई नहीं है। आप इस फॉर्मेट में या फिर आप इक्वेशन को डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू फॉर्मेट में अगर लिख पा रहे हो, तो ये फॉर्म जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप वो यूज़ कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए जब ये चीज़ होगी ना, जब मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ सिर्फ अभी के लिए, मैं तो एक चीज़ होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको अब मैं आई एफ लिखने वाला हूँ, बिल्कुल चलता है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी आपकी ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। से क्या चल रहा है, रुक जाओ थोड़ा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बेटा इस इक्वेशन का वो, ठीक है। ये क्या है वो अभी स्ट्रेस मत लो तुम, और इसका सल्यूशन हो जाएगा बेटा आप लोगों का, जो जनरल सल्यूशन रहने वाला है मेरा, वो आएगा बच्चों? नहीं, अच्छा जनरल सॉल्यूशन बेटा मेरा हो जाएगा
वाई मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन. क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, वो ठीक है. अभी के पास एक बार देख लो, जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी. आप अभी बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए उस चीज़ का. नहीं बच्चा अभी नहीं है, ठीक है. अब वैसे ये देखो, अगर मेरा ये फॉर्मेट में लिखा हुआ है एंड इस फॉर्मेट में लिख पा रहा हूँ मैं, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा तब, मेरा e रेस टू p dy, और मेरा सल्यूशन तब हो जाएगा बेटा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy. मुझे पक्का पता है जिन लोगों ने स्कूल में ध्यान नहीं दिया है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा. चलो गाइस गाइस, चलो चलो चलो, नेवर माइंड, गेटिंग बैक ओवर हियर. अभी मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझा होगा जिन लोगों ने स्कूल में कुछ ध्यान नहीं दिया था, एंड आई एम होपिंग किसी ने ध्यान ना दिया हो. मेरा जस्ट एक बार ये रिक्वेस्ट है, ये इतना सा सिर्फ आप एक बार कॉपी कर लो, आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा. स्ट्रेस मत लो उस चीज़ का, ठीक है. तू कुछ बोल रही थी बेटा, ये एक्सरसाइज का क्या नहीं है, होल्ड पे नहीं है, कोर्स में है बेटा. ये बहुत सिंपल पार्ट है, तुझे देख के अभी अजीब लग रहा है मुझे पता है. मैं तुझे बोलो थोड़ा टाइम दे, 5 मिनट दे, अपन एक दो एग्जांपल करें तो सबको समझ जाएगा. है तेरे को है बच्चा, आई डोंट थिंक कुछ भी कटा है चैप्टर से. हाँ इसके बाद एक और है ना, ये पांचवी है चौथी है छठ, हाँ फिर एक ही और है इसके बाद में. हाँ एक और, जब तक आप लोग लिख रहे हो मैं वर्धमान नगर वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ. आप ए शांत, आप लोगों का कल शायद से फेट है. कितने बजे का है, 12 से है. हाँ नहीं ते तू कितने जाएगा नहीं पूछ रहा हूँ मैं. हाँ 12 से है, फाइन. काटोल वाले बच्चे कितने अपने पास में, हाथ उठाओ. चलो बहुत बढ़िया, ठीक है गाइस, मत जाइएगा कल स्कूल. बहुत बढ़िया बेटा, कल का सेशन अपन लोग 10:30 से 11:30 रखेंगे बेटा. मैं तो बताता हूँ जेन्युइनली क्या, हाँ तो 11:30 निकल जाना, इसलिए मैं 10:30 से 11:30 रख रहा हूँ. तो तैयार होके आना बेटा. हाँ सुनो, मेरा मॉर्निंग का जैसे को प्रॉब्लम बताता हूँ, आई डोंट माइंड पुटिंग इट 10 to 11 ऑल्सो, 10 to 11 इज फाइन. हाँ फेट में तैयार होकर कौन जाता है बे, वॉलंटियर तैयार होकर जाते क्या, स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार होने वाली तू. ठीक है तो मैं कहाँ समझूंगा भाई, मैं तो अभी भी मेरी शादी में तैयार होकर नहीं गया था, मैं पता था पड़ गई, अब क्या होना तैयार नहीं. अब सुनो प्लीज, हाँ जरूरत है, कितना रूड है यार ये लड़का, सही है यार. सुनो कल का 10 to 11 रखना है, ठीक है फाइन. कल 10 से 11 का सेशन रहेगा, प्लीज 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 टाइम पे रहिएगा. 10:02 का मैं एंट्री नहीं दूंगा, मैं क्लियर देता रहा हूँ. 10:02 का मैं एंट्री नहीं दूंगा. तुमको ऑनलाइन कहा, तुम लोग ऑनलाइन करो जिनको है. इसके आगे के क्वेश्चन बेटा खूब सारे अपने को कल वो खत्म करके. हाँ बेटा बेटा वो ये गिरिपुंज को तैयार होना है, तो या तो तू कन्वेंस कर उसको, जरूरत नहीं है तैयार होने की, क्योंकि ध्रुव ने बहुत रूड कमेंट बोल दिया उसको अभी, ठीक है. अभी तो बोला उसने, हाँ अभी बोला उसने कि बहुत जरूरत है तैयार होने की समथिंग. देखा हाँ, तो ये ध्रुव बहुत ऐसे रूड कमेंट कर रहा है बेटा, तो या तो तू कन्वेंस कर ले उसको. क्या बेटा, बेटा e रेस टू इंटीग्रल ऑफ p dA. मैं ना सच बता रहा हूँ, तो तेरी कॉपी लेके आओ, मेरी हैंड राइटिंग दिखा दे. हाँ किसी को भी दिखा दे, मेरी मम्मी को तक के दिखा दे, वो मान जाएगी तेरी खराब है. मेरी माँ अकेले कैसे इंसान है, चलना भी तेरी 9th standard की कॉपियाँ मेरे को ध्यान है अभी भी. चलिए लिख लिया गाइस, ये ऐसा मत बोल मेरे भाई, तो प्लीज बोल दे तू 80 में 80 ला लेना उसमें. यहाँ पे उसने 12 mark दे दी बेवजह बस. क्या क्या क्या
कि प्लीज चुप रहा कर बेटा, चुप, कोई बात नहीं करता एक्चुअल में। चलो अब गाइस आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग को, सॉरी अबे यार जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो प्लीज। शांत बच्चा लो प्लीज, फटाफट लिख लो, ये हो गया लिखना। आयुषी ग्रुप पे अब भी डाल दे बेटा। नहीं 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 बेटा ये नहीं, टाइमिंग का। हाँ एक्चुअली वो मेरे लिए भी होता है 10 to 11। यस फाइन, चलिए अभी। हाँ ठीक है, वो इधर उधर छाप लेना। अब गाइस ये देखिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे पहले आ रहे हैं। पहले हमें इन्हें वो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखने की जरूरत है, ठीक है ना, राइट। इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है पहले हमें। तो देखो अब हम लोगों को पहले कंफ्यूजन ये शुरू होता है कि हम लोग इसे dy ओवर dx वाले फॉर्मेट में लिखना है प्लस py इक्वल टू q, या dx बाय dy प्लस px इज इक्वल टू q। मेरा ये बोलना रहेगा जिस फॉर्मेट में आ रहा है उस फॉर्मेट में लिख लो, उसमें नहीं आया तो दूसरे में ट्राई कर लो अभी के लिए। धीरे धीरे अपने आप तुमको देख के ना ओरली समझ में आ जाएगा, हाँ ये वाले फॉर्मेट में आ रहा है या दूसरे फॉर्मेट में आ रहा है, वो रहेगा वही दिखेगा पीछे। सुन देखो ये ही नहीं पता देखो ये फॉर्मेट में लिखना है या ये फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो देखो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, तू कोशिश कोई भी इसमें अगर उससे नहीं आया दूसरे से कोशिश कर स्टार्टिंग में, धीरे धीरे मेच्योरिटी देखो खुद को आ जाएगी, ठीक है। चल सबसे पहले पहला वाला देख रहे हैं हम लोग। अभी इसके लिए अपने सोल्यूशन नहीं निकालना है, उसने सिर्फ अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मांगा है, ठीक है ना। चलो ये वाला था, मुझे ये तो पक्का पता है मुझे डी वाई ओवर डी एक्स को अकेला करना है, या डी एक्स अपॉन डी वाई को अकेला करना है। यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स था उसको वैसे ही रहने दो अभी के लिए मैं, ठीक है। तो देखो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स माइनस वाई द होल ओवर एक्स लॉग एक्स हो रहा है, ठीक है। अब मैंने देखो डी वाई ओवर डी एक्स अगर मैं इसके ऊपर अपने आप को मेंटली रख रहा हूँ कि मुझे डी वाई ओवर डी एक्स रखना है, तो मेरा कौन सा वाला फॉर्मेट चलने वाला है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो मुझे सिर्फ एक ही वाई चाहिए रहेगा, चलो एक ही वाई है बधाई हो। तो अभी क्या सर कुछ नहीं, देखो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स ओवर एक्स लॉग एक्स माइनस वाई ओवर एक्स लॉग एक्स चल रहा है। सर ये देखो लॉग एक्स कट गया मेरा, ये जो फैक्टर था जो भी चीज़ लिखी हुई उसको मैंने यहाँ पे ला लिया, कोई इशूज यहाँ तक है। देखो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स लॉग एक्स इंटू वाई, वाई ओवर एक्स लॉग एक्स को मैंने ये ऐसा लिखा है, क्यों आपको समझ में आ जाएगा। सो 2 ओवर एक्स, डोंट यू थिंक तुम्हारा ये पी बन चुका है, ये तुम्हारा क्यू बन चुका है अभी के लिए। अब तुम लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, ई इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स था, तो वो कितना आ जाएगा 1 बाय एक्स लॉग एक्स डी एक्स था। अब देखो अगर तुम लोग इसको ये ऐसा कर लोगे, यानी देखो अब तुमको इंटीग्रेट करना है, लेट लॉग एक्स बी इक्वल टू टी, वो सब कुछ हो जाएगा। तो इसके आगे का तुम लोगों को करना आ जाएगा, जब तुम लोग करोगे ना एक्चुअल में तो ये कुछ ऐसा आएगा तुम्हारा आंसर। हाँ लेट लॉग एक्स बी इक्वल टू टी वगैरह करके, अब वो तुम लोग मेहनत हो जो भी करोगे, अगर तुम लोगों को सॉरी क्या नहीं इंटीग्रेशन, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जब करते थे प्लस थी नहीं लाना। जो लोग स्मार्टली ये चीज़ देख पा रहे हैं, सर इसको मैं चाहूँ तो 1 बाई एक्स अपॉन लॉग एक्स कर लूँगा, सर ये देखो ये एफ डैश एक्स और ये एफ ऑफ एक्स है, जिनको ये दिख रहा है ओरली वो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन को लॉग ऑफ लॉग एक्स कर देगा। मेरे को नहीं दिख रहा है, मेरे को ये यहाँ से दिखा, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे को नहीं दिख रहा था, मैं लॉग एक्स इक्वल टू टी ही करने वाला था, उसके आगे करने वाला था। आपके ऊपर जिसको जितनी ज़्यादा इन्हें विजिबिलिटी है और जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा है, ठीक है, आप जो भी इंटीग्रेट करोगे तो आपका e की पावर लॉग ऑफ लॉग एक्स आएगा। अब देखो आप लोग वहाँ पे हमेशा अटकते ही हो, इसलिए जस्ट मैं आपको एक बार के लिए प्रॉपर्टी याद दिला दे रहा हूँ। e की पावर लॉग ऑफ एनीथिंग जो भी है, मान लो ये है एक्स क्यूब फॉर एग्जाम्पल, तो आपका दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब।
अगर e raised to log something रहता है तो आपका आंसर वो समथिंग बन जाता है. e की पावर log 1 नहीं होता, अच्छा log e का मतलब 1 होता है. ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पे कुछ तो भी ना अपना e की पावर log of log x आ रहा है, तो e की पावर log समथिंग है तो वो समथिंग तुम्हारा आंसर बन जाता है. तो उससे ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा बना था. नहीं यार देख, हर चीज़ में अलग अलग नहीं है, ये तो सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी थी तेरी. ठीक है ना, ये जो तूने किया है जो मैं तेको अभी बता रहा था ये यहाँ से ये क्या है. ठीक है, दूसरा ये जो इंटीग्रेशन था तुझे वो एफ डैश एक्स अपन एफ ऑफ एक्स फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, तू और क्या क्या सोच सकता है मुझे बता. कुछ नहीं, वाई पार्ट लग नहीं रहा है तो बचेगा क्या, सब्सटीट्यूशन सोचेगा तू. 1 बाई एक्स को टी मानकर तो दिख रहा है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बनने वाले, उससे कुछ हो नहीं रहा है. लॉग एक्स को मानेगा अगर टी तो 1 बाई एक्स डी एक्स हो रहा है तो कुछ दिख गया फट से. ठीक है, तो 1 ओवर टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स देखा जाता है ओरली हो गया तरह से. और तू मैं जितना बचे हुए लोगों का नहीं बोल रहा हूँ, मैं जितना तेरे को जाऊँ तो तू मेरे से ज़्यादा ओरली फास्ट करता है चीज़ें ये सब चीज़ें, क्योंकि तेरे को नहीं, बिकॉज यू हैव दैट हैबिट ऑल्सो विच इज़ गुड वेरी फ्रेंकली. तुझे और फास्ट दिखेगा, तुझे वो भी रटना नहीं पड़ा. तुझे रटना सिर्फ ये है मेरे भाई कि ये फॉर्मेट अगर है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन रहा है, सोल्यूशन क्या है, तो वो तो रटना पड़ेगा. उसके लिए तो तू कुछ कर नहीं कर सकता है. ये समझा क्या हुआ है, ये पहला सब पार्ट था. अब गाइस सेकेंड सब पार्ट, वेरी फ्रैंकली अगेन मुझे तो डी एक्स बाई डी वाई दिख रहा है, तो अभी के लिए मैं डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्मेट में ही छोड़ रहा हूँ. मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बॉदर नहीं कर रहा हूँ. तो मेरा मेजरली क्या फॉर्मेट बनाने की इच्छा है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू. नहीं तो फिर मैं दूसरा इसका देखूंगा. हाँ बेटा, वैसे डी इसको इधर भेजूंगा मैं तो वो इजीली डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी दी आंसर. बट अपन अभी के लिए ट्राई कर रहे हैं इस फॉर्मेट में लाने का और फेल होके देखेंगे. मेरे को नहीं समझा, बट मैं एक समझा, एक बार मैं सॉल्व करता हूँ, तुझे दिख जाएगा, तुझे दिख जाएगा चीज़ें. देखो बस मेरे को तुम लोगों को पहले एक ये चीज़ बतानी है, एक ध्रुव ध्रुव सुन सुन, मेरे को सिर्फ एक ये चीज़ बतानी है, क्या मैं यहाँ से इसको यहाँ भेजूँगा और ये ऐसा बन जाएगा कि आप मुझे बताइएगा, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू रूट एक्स बाई ई की पावर माइनस टू एक्स माइनस, ये मान लो, ये मान लो कुछ एक्स है सर, ठीक है ना, एक्स अपॉन वाई, क्या ये ऐसा बन जाएगा क्या. नहीं, आप ऐसे रेसिप्रोकल नहीं कर सकते पीछा प्लस माइनस. तो लकीली यहाँ पर तो रूट एक्स भी था, तो देखा जाए तो उसने बेवजह दो बार लिखा हुआ है, इट वुड हैव बीन ई की पावर ये. अब मैं उसको वहां भेज सकता हूं, तो डी एक्स बाई डी वाई वुड हैव बीन वॉट रूट एक्स अपॉन ई की पावर माइनस टू रूट एक्स माइनस वाई. अब मैं कितनी भी कुछ भी कोशिश कर लूँ इसके आगे इस फॉर्मेट में लिखना मेरे लिए इम्पॉसिबल होने वाला है. क्यों बेटा, डिनोमिनेटर में अगर दो चीज़ें हो गई है तो मैं कुछ ही नहीं कर पाता हूँ यहाँ पे. वापस से मैं यहाँ पे भेज दूंगा इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए. चलो देखते हैं, नहीं एक बार देख लो ना यार मेरे लिए. ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई ई की पावर माइनस टू रूट एक्स माइनस वाई. अभी मेरे को डी एक्स बाई डी वाई अकेला चाहिए. वापस से मैंने भर लिया यहाँ पे इसको, वापस से उधर भेज के क्या ये चलता रहेगा. तो मैं उस फॉर्मेट में तो लिख नहीं पा रहा हूँ. ठीक है, अब जो इसका नाम क्या है, केवल रमानी जो बोल रहा था, अपन वो फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं. धीरे धीरे मेच्योरिटी आ जाएगी इसकी. ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी, क्या है फॉर्मेट, पी वाई इक्वल टू क्यू. देखो ये इसको मैंने इधर भेजा तो ये बेसिकली बन गया ई की पावर माइनस टू रूट एक्स माइनस वाई ओवर रूट एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स. ये अपना अपना ही अपने अपने में रहन दिया मैंने अब वापस से. ठीक है, ये उधर भेज दिया तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस y अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स. देखो मेरा ये हो गया क्या, p बन गया. मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx एक्स वन बाई रूट एक्स. इंटीग्रेशन मुझे आता है, कर लूँगा इसे अभी. बेटा प्लीज़ आप लोग बस पहले ये दो एग्जांपल मुझे करके दो, आएगा आएगा सोल्यूशन के लिए काम में आता है बेटा. अपन लोग अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में सोल्यूशन निकाल सीखेंगे. अगर वो दूसरा फॉर्मेट वाला है तो उसमें p e की पावर p dy हो जाएगा इंटीग्रल. अभी ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था, नेक्स्ट वाले इसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करके सॉल्यूशन निकालेंगे.
नहीं, डिफरेंशिएशन तभी यूज होगा अगर तेरे इंटीग्रेशन के अंदर तू सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह यूज कर रहा था। नहीं, हाँ तू क्या होता? अच्छा, हाँ देखो, अगर आपका e की पावर x स्क्वायर जैसा कुछ बच रहा है तो आई थिंक सेकंड वाले में कुछ ऐसा रैंडम आने वाला है, आप कुछ कर नहीं पाओगे। वो तो सिर्फ लॉग वाले में आप इधर उधर कर पा रहे थे, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x स्क्वायर जैसा बच जाएगा। उसके लिए बहुत स्ट्रेस मत लीजिए। नहीं 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 बेटा, नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी चलता है। अक्षय तेरे को ग्रुप में ऐड किया ना व्हाट्सएप ग्रुप में? एक बार चेक कर ले प्लीज। आई एम नॉट श्योर, मेरे को याद नहीं है। करेगा आप? ठीक है, वो आई अंडरस्टैंड। तुमने तुम्हारा भी मैंने बहुत आई अंडरस्टैंड बट आई कैनॉट हेल्प इट वाली बात है ना। उसके मेरे को जैसे कि अभी भी ना, लाइक व्हेन आई वाज स्टार्टिंग विद 11th, क्योंकि मेरा स्टूडेंट बेस वहीं का है तुम्हारे एरिया का, तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ लॉट ऑफ पेरेंट्स कि आप यहाँ पे भी एक बैच खोल दो, वी प्रॉमिस टू गिव यू 5-7 स्टूडेंट्स, विच इज़ अ गुड नंबर वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। बट मेरे लिए यही था कि मेरे पास बैंडविड्थ ही नहीं है, तो उनका था मॉर्निंग में ले लीजिएगा 3 दिन वगैरह भी अगर होता है तो, पर मेरे को बैंडविड्थ बची नहीं रहा है बच्चा लोग, तो इसलिए मैंने उनको मना ही किया हुआ था। डिमांड बहुत है? नहीं, सब्जेक्ट की डिमांड बहुत है, उसका सप्लाई कुछ भी नहीं है इसके लिए। हाँ, इन्हें अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छे फैकल्टीज आए नहीं है ना। हाँ नहीं, फीस बढ़ जाएगी ना इसमें, तो फीस बढ़ जाएगी ऐसे इसमें, डिमांड बहुत है। नहीं, फीस बढ़ा सकते हैं ऐसे इसमें। मैं बोल पता नहीं, मुझे जो अच्छी लगी थी नंबर ऐसा, हाँ वो ऐसा नहीं, 21 शगुन का अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने 22 किया था। ₹80,000 तो ओए ओए, फीस चेंज अंशवीर के लिए हाथ से, अंशवीर के लिए फीस चेंज है भाई, अंशवीर के लिए नहीं भाई, अंशवीर ओ भाई अंशवीर, पैसा ला फिर बैठना क्लास में अगली बार। नहीं भाई अंशवीर, मेरे को 40 भी चलता भाई, तू बेहद तो सही, फट से करो देने को रेडी है तो। अरे यार देख, लोग करोड़ों भरते होंगे बट सामने वाले भी उतना होगा उसके वैल्यू का, मैं पता है मुझे, मैं नहीं था ठीक है ना, नहीं मेरी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं नहीं, अब मेरे को पता है मैं नहीं करता 80,000 भाई, 80,000 करके तुम अलग ही जान खा जाओगे मेरी, मेरे को पता है। ये सही है ना बच्चा ये? अब बस इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, PdX रहेगा ना तेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये P है तेरा, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये ना, ये इंटीग्रल ऑफ ये dx, इन्हें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अच्छा वैसा, आई थॉट। अब ये तेरा P की वैल्यू, बच्चा सॉरी 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 बाद में उठाना, तेरा ये P होने वाला है ठीक है, तो e की पावर 1/x log x dx, अब तेरे को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जो भी आंसर आएगा फिर वो। बच्चा लोग प्लीज देखिए, जैसे मेरे पास में अभी सुमेध भी आया था, यू गाइज हैव रीच्ड ओवर हियर, यू नो दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना होता है e की पावर इंटीग्रल PdX। बेटा ये dx का मतलब कुछ नहीं, वो p को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ठीक है, तो ये कुछ अभी 1/x log x dx होगा, इसको इंटीग्रेट कर लो। आप अलग से इंटीग्रेट भले ही करना चाहते हो, उसको अलग से इंटीग्रेट कर लो कि इंटीग्रल PdX कितना हो रहा है, फिर यहाँ डाल देना ठीक है ना, बट करो इसको फटाफट। अब नहीं, अपने पास सोल्यूशन नहीं निकालता, अपने पास सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता। बेटा थोड़ा क्विकली कीजिए, क्योंकि जो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको जल्दी समझ में आ जाएगा क्या है, बट आप लोग ये एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज पहले ये दोनों एग्जांपल्स फट से कीजिए प्लीज।
हाँ मेरे को, हाँ लेना है, बट तुम लोगों ने मेरे को मंडे का बोले हो ना ऐसा, मंडे स्लैश ट्यूजडे यार, जितना अभी का हुआ ये चैप्टर का डिफरेंशियल का तो टेस्ट ले लो यार प्लीज, मेरे को इंटीग्रेशन का भी बनाने की चाहिए तो इनडेफिनेट का दे देता हूँ यार मैं, देखो पहले इनडेफिनेट का ले लेते हैं अपन लोग, मंडे को आएगा भी पता तुम्हारा इंग्लिश, तो बेटा इंग्लिश के समय पे ले सकते हैं मंडे को टेस्ट, ट्यूजडे को टेस्ट लेना है फाइन, विल टेक अ टेस्ट ऑन ट्यूजडे फॉर इंटीग्रेशन ओनली, उसमें भी सिर्फ इनडेफिनेट ले लेंगे ठीक है, हाँ नहीं मैं करके दूंगा पक्की बात, तेरी कसम तेरी कसम, हाँ वो अभी आने दे पहले, तू ये तो कर ले, ये कर ले अपन कर लेगा सब, हाँ वो डबल स्लोप वाला ना, स्लोप का स्लोप, हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप तक ही हुआ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, भैया कर लो बच्चा लोग, तो समझा टीचर लोग तो क्यों बोलती बेटा चुप रहा क्लास में, इसलिए शांत होना बेटा, जो लोग ऑनलाइन है मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रीजॉइन कीजिए बेटा, हाँ वो सब ठीक है, अभी के लिए नहीं आगे पड़ेगा, क्यों में कुछ भी हो सकता है, बस वाई नहीं रहेगा अगर तेरा वो डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है तो, क्या शुरू है दोनों रीति और उसका, और तुम लोगों का ये स्नैप में फ्रंट कैमरा, ये क्या नया नया फोन मिला गया तो कभी रिसेंट में, हाँ सेजल तेरे को, हाँ तेरे को अभी अभी मिला है ना फोन शायद से, तो फिर तो इतना क्या नया नया शौक चढ़ा है सब चीज़ों का, क्या 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 अच्छा लगा होगा ना, इस बार भी एक बच्चे का फ्री फॉल हमने उसका एग्जांपल लिया, फ्री फॉल ऊपर फेंको तो नीचे कितने इम्पैक्ट से गिरेगा वो सब चीज़, हाँ गैलेक्सी 10 था फूटा नहीं है, मेरी बहुत अच्छा थी फूट जाए, गैलेक्सी 10 वगैरह जो होता है ना कुछ तो भी नहीं, नॉट रियली श्योर, हाँ क्या मेरे को पता ही तूने क्या बोला, हाँ तो हम थोड़ी मना किए, मेरे को अच्छा लगा तूने कुछ बोला, पूछा है तो क्या बोला आपस बोला बोल, तू शर्मा गया उसमें, चलो गाइस ये हो गया है, अब गाइस ये देखो, अब ये इसमें हमें सल्यूशन भी निकालना है ठीक है, वैसे मुझे एक समझ मीत आया, एक समझ मीत वापस से आया, ये देखिए बच्चा लोग प्लीज 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 प्लीज, अब ये देखिए ये क्वेश्चन के अंदर मुझे सल्यूशन निकालना है, पहले मैं या तो उसे dy ओवर dx वाले के फॉर्मेट में लाऊंगा, वो कहता है dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, या दूसरे आपको क्या लग रहा है dy ओवर dx के फॉर्मेट में आ जाएगा ना, हाँ देखो अब बट इसका कुछ कोएफिशिएंट था x, भेज दो उधर नहीं, एक काम करो पूरे इसको x से डिवाइड कर दो ना बेसिकली, या मुझे क्या करना था यहाँ पे y फिर y x, इसके बाद पूरे इक्वेशन को मैं x से डिवाइड कर दूँ, हाँ तो देखो वो क्या बन जाएगा अभी के लिए मेरा dy ओवर dx प्लस 1 बाय x टाइम्स y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 बाय x, तुम्हारा बाप रे ये बन गया p, ये बन गया q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx ठीक है, जो कि e की पावर इंटीग्रल 1 बाय x dx जो कि e की पावर log x हो जाएगा, जिसकी वैल्यू x के बराबर हो जाएगी log whatever, वो whatever नीचे जाता ठीक है, यहाँ तक समझे आप लोगों को, आप पहले सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो फिर सोल्यूशन देखते इसका, तो तुम निकालो, हाँ मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे फॉर्मेट में था dy ओवर dx प्लस py
इक्वल टू क्यू, तो मैं डी वाई ओवर डी एक्स अकेला था ना इसके लिए, या इट कैन बी वन, a little less likely that that will happen. Yes, mathematically it can be. वो वैसे ही रहता कई सारे इसमें डा. आप लोग प्लीज सिर्फ पहले ये निकाल दीजिए. सबका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नहीं नहीं, अपने सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकाले, अब अपना सोल्यूशन भी निकालना है. अब देखो मेरा सोल्यूशन क्या था, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स. ठीक है, देखो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था मेरा, एक्स था, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्या है बच्चे लोग मेरा यहाँ पे अभी 3x माइनस 2 ओवर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स था डी एक्स. तो बेसिकली वाई इंटू एक्स यानी वाई एक्स या एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स. वो तो गलती से बन गया था, वो गलती से बन गया एक्चुअल में. क्या था वाई है ही सोल्यूशन में, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सोल्यूशन ही है तेरा, ये फॉर्मूला है. सोल्यूशन बिकम्स, देख एक देखो 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 तुम लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर ने कहाँ समझ गया है, तुमको जो स्टार्टिंग में नोट्स लिखाया था ना उसमें तुम्हारा सोल्यूशन था y into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor का integration. ठीक है ना, तो वो देखो y तो y है, यहाँ पे integrating factor तुम्हारा x बन चुका है, q तुम्हारा कितना था 3x minus 2 by x, 3x minus 2 by x into integrating factor जो कि x है dx. तो xy is equals to integration of 3x square minus 2 times ये जो था dx है, तो ना x y is equal to x cube minus 2x plus c. ये तेरा सॉल्यूशन बन गया, खत्म. समझा जी क्या हुआ है? नहीं नहीं, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता मैं c नहीं था, सॉल्यूशन में आपको c लिखना पड़ेगा. नहीं पर देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में c मान ले 0 है, ठीक है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल सोल्यूशन है. ठीक है, उसने भले वाई का टर्म में लिखा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आंसर बिल्कुल सही है, आपके मार्क्स नहीं कट सकते इसमें. ठीक है ना, ये फट से कीजिए बेटा सोल्यूशन. किधर वन बाई एक्स, अच्छा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ वन ई की पावर वन बाई एक्स डी एक्स था, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो ई की पावर लॉग एक्स तरह फिर एक्स बन रहा था. ये बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है. अपन याद है लास्ट टाइम वो वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे थे, फिर इंटीग्रेट करते थे डी वाई डी एक्स वगैरह हट जा रहा था, तो वही चीज़ का सोल्यूशन ऐसा हुआ बच्चे. पहले हमें सोल्यूशन चेक करना था दिया हुआ जो है सही है नहीं है, हाँ. फिर अपन लोगों ने सोल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखा, फिर अपन लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्यूशन बाय सेपरेट करना निकाला था, जो तेरा बचा है मे बी वो ईजी पार्ट है एक्चुअल में. और अब अपन लोग दूसरा फॉर्मेट सीख रहे. जिन लोगों का ये हो गया है सेकेंड सब पार्ट अपना अटेम्प्ट करना शुरू कर लेंगे वो लोग, पूरे इसको डिवाइड बाय 2x कर ले, करेक्ट बोल रहे हैं बिल्कुल. सेकेंड सब पार्ट एक्चुअल में बहुत फुद्दूस है, फटाफट करोगे तो हो जाएगा. रीति समझ आया बच्चा? सेकेंड सब पार्ट भी हो गया. गाइस कल अपन लोग ये पूरी एक्सरसाइज खत्म कर चुके होंगे, कल खत्म कर चुके हो गए मैं बोल रहा हूँ, तू छुट्टी की बात कर रहा है बाबा. प्लीज सेकेंड सब पार्ट अपने आप से कीजिए. देखो अब एक सेकंड जैसे आपको एक बता दे रहा हूँ मैं, ई की पावर इंटीग्रेशन वन बाई टू एक्स, नहीं वन बाई टू एक्स था डी एक्स, तो ये ई की पावर लॉग एक्स वन बाई टू लॉग एक्स हो रहा होगा. पहले ये 1 बाई टू जो है यहाँ पे भेजना पड़ेगा आपको, तो वो बन जाएगा कितना e की पावर log ऑफ रूट एक्स. ठीक है ना, तो ये रूट एक्स के बराबर हो जाएगा फिर. ठीक है, तो डैट विल बिकम योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ये एग्जांपल 2 का सेकंड सब पार्ट का मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताया आप लोगों को, जिनका वो भी हो गया है वो लोग अपना आगे बढ़ सकते हैं.
इफ पॉसिबल अपनी बुक्स निकाल लो, इफ पॉसिबल अपनी बुक्स निकाल लो, आई विश इसको बुक फेंक के मारे, दो है तुम्हारे पास, दे दे बेटा उसको, दे दे वो डिस्टर्ब करेगा तो तेरे को, रख ले बेटा प्लीज मेरे लिए रख ले बेटा प्लीज, और उसकी बुक फटी हुई थोड़ा ध्यान से रखना। कुछ नहीं कुछ तू कर, तू कर, तू कर। वो कहाँ गया ध्रुव उठ के? मेरे को कुछ कॉल आया उसको, नॉट श्योर यार, मुझे 1/2 बताए थे, नहीं माइनस 1/2 नहीं बेटा, 1/2 ही रहेगा, 1/2 एक्स ही आएगा, होते जा रहे हैं, फटफट फटफट आगे बढ़ते जाओ, रूट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इनटू रूट एक्स dx कैसे हुआ? हां इंटीग्रेशन ऑफ सर उसके का, ए सॉरी, हां इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इनटू रूट एक्स dx कैसे हुआ? बेटा देख, तेरा q जो बना था तेरा, जब तूने 2x से डिवाइड किया था, तो dy/dx 1/+1 1/2x इनटू y जो कि p बन चुका था, इसी को ये भी तो 2x से डिवाइड हुआ होगा ना तेरा, 3x² हुआ था, ठीक है, तेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तेरा रूट एक्स आ गया था, सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या था तेरा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू क्या था तेरा, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स था, तो क्यू बच्चा तेरा ये लिखा हुआ है वो, और तेरा ये लिखा हुआ है, समझा? ओ 3x² इंटू रूट एक्स जो है, ये 3 को तो बाहर गया, ये x² इंटू x की पावर 1/2 हो रहा है, जो कि x की पावर 2+1/2 है ना, 5/2 हो जाएगा, फिर इसकी इंटीग्रेशन तो जाती है वो, ठीक है बेटा, रूट एक्स को तो x की पावर 1/2 लिखा है, फिर मैंने a की पावर m इंटू a की पावर m, नहीं ना बच्चा, कहाँ लिखा है वो, p के ये y के साथ लिखा हुआ होगा ना तेरा, मेरे सोल्यूशन का, अच्छा बुक के, देख y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये, ठीक है, अब देख इसका हुआ 3, उसने बाहर ला लिया है, ये x की पावर 5/2 हो गया है, ठीक है, अब तूने इंटीग्रेट जब किया इसको 3, ये हो गया है, ये तेरे को पता है ये 2 यहाँ चल जाएगा तो 6 बन जाएगा, ठीक है, अब तेरा फाइनल इंटीग्रेट हो चुका था इसलिए c आया है, ख़त्म, तो तेरा आंसर हो गया है वाई रूट एक्स इज इक्वल टू 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस c, ख़त्म, उसने जो किया बिल्कुल यहाँ छोड़ सकते हो, बिल्कुल सही है, उसने ये रूट एक्स से पूरे इसको डिवाइड कर दिया है, तो ये भी अपॉन रूट एक्स गया, ये भी अपॉन रूट एक्स गया, रूट एक्स का मतलब 1/2 हो गया, वो ऊपर गया, तो 7/2 माइनस 1/2 6/2 मतलब 3 हो गया था, बिल्कुल बेटा, प्लीज एग्जांपल नंबर 3 पे शिफ्ट कीजिएगा, एग्जांपल नंबर 3 बेटर क्वेश्चंस में से है, प्लीज प्लीज एग्जाम्पल नंबर 3 कीजिए, नेक्स्ट ईयर से होपफुली मैं 8th को भी नहीं पढ़ाऊंगा, 7th और 8th के लिए मैं फैकल्टी को रिक्रूट कर रहे हैं, पैसा नहीं भाई, समय नहीं बचा है ना, अदर मैं छोड़ूंगा अगर तो यहाँ पे 16 बच्चे अभी है मेरे पास इस साल, अगर तो अगले साल एटलीस्ट 18 बच्चे रह गए, और उसका हम लोग 14,000 रुपये चार्ज करते हैं, तो मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है, बट 3,20,000 रुपये के आसपास हो रहा है, तो मेरा 3,20,000 जो मुझे मिलता था वो कोई और फैकल्टी के कारण मुझे उसका 30%, 20%, 40% जो तक को इमेजिन करना है उतना ही मिलेगा, ठीक है, नहीं नहीं बेटा उससे ज़्यादा रखते हम लोग, ठीक है, तो उतना ही मिलेगा मेरे को, बचा हुआ वो रिसोर्सेज भी यूज़ करेगी, उसमें हमारे को चार्जेस और लगना शुरू हो जाएगा, तो हमको प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा देना,
बट मेरा भाई घंटा जो है एक्स्ट्रा जो मुझे रोज़ देना पड़ रहा है वो बच जाएगा, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो चलता है वो कम हो जाएगा एक साल का मेरा। मेरा मेरा 3 o'clock के पहले पूरा फ्री रहता है, मेरा लिटरली पूरा फ्री रहता है। बस मेरा अभी एक 11 to 12 सेशन चलता है, एक US का बच्चा है, बट वो हफ्ते में 2-3 बार ही लेता है वो, तो उसका वहाँ पे रात रहता है। बट मेरा यहाँ पे 3 बजे से लेकर 8:30 का क्लास रहता है, मैं घर भाग के पहुँचना पड़ता है। अभी कुछ टाइम के लिए मेरे को कृष्ण का लेना पड़ रहा है, कभी 1 घंटे 1.5 घंटे का, 9 to 10:30। मेरा नियरली हफ्ते में 4 दिन 10:30 to 11:30 एक सेशन होता है। तो मेरा अगले दिन मॉर्निंग में भी 6 to 7, क्योंकि हम 6 AM क्लब कर रहे हैं तो वो चलता है, बट ये लाइफ टाइम नहीं चलता है शेड्यूल। कृषिका मीत की बहन है, 10th वाले बच्चों को 6 बजे बुलाया जाता है, जो वीक बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है, तब वीक बच्चों पे उनके लिए कंपलसरी रहता है। तू बैठ जाना, तेरे को बैठना तो जरूरत हो तो। गाइस एग्जांपल नंबर 3 सिंपल है, प्लीज फटाफट खुद से कीजिए। सिंपल था, तू x² - 1 से डिवाइड कर दे पूरे इसको, किससे ही खत्म हो गया। हाँ बेटा वो इसलिए लिखवाया था तुम्हारे को, मैंने जो स्टार्टिंग बोला था ना, हाँ बोलो बच्चा, इसके बाद में तेरा बच्चा ये p बन गया था और ये क्यू बन गया था। ये x² - 1 से डिवाइड किया तो ये हट गया, यहाँ पे x² - 1 आ गया, यहाँ पे एक और आ गया, इसलिए वो स्क्वायर हो गया। अच्छा वो f'x / f(x) लग जाएगा, इंटीग्रल ऑफ f'x / f(x) इज लॉग ऑफ f(x), ये बन जाएगा लॉग ऑफ x² - 1। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, यही की पावर लॉग ऑफ x² - 1 x² - 1 हो जाएगा। हाँ तो x² - 1 को अगर तू t मान लेगा तो ऊपर वो हो जाएगा, तो अपने आप ही लॉग ऑफ x² - 1। हाँ हाँ वही 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 मैं समझा रहा, हाँ वही मैं समझा रहा था मेरे भाई। हाँ e की पावर लॉग x² - 1 बिकम्स x² - 1। यस यस इस लॉग ऑफ f(x) सर ले फोड़ दे, डरती क्या तू, देखो ध्रुव का स्टील की बोतल भी है, तुम्हारे स्कूल वाली मारते ना स्टील की बोतलों से एक दूसरे को। हाँ ठीक है, बट वहाँ पे ट्यूशन में प्रॉक्सी लगाना पड़ता है उन लोगों को। ए क्या शुरू है बेटा, प्लीज फटफट करो यार, ध्रुव हो गया बच्चे करना। देखो तुम लोग जितना जल्दी निपटाओगे ना उतनी जल्दी मैं कल का सेशन खत्म कर पाऊंगा, ठीक है। आयुषी स्कूल पे कहाँ तक के पहुँचा है बेटा, कल से होगी ना, ओके कल तो छुट्टी होगी ना, तो तुम लोगों की नहीं, सॉरी। हाँ ठीक, गलत कर रहे हैं, 1/(x²-1) का ही नहीं है, 1/(x²-1) कहाँ से आया तेरा, x/(x²-1), 2x/(x²-1) हो रहा है ना बेटा। अच्छा ये इंटू ये इंटीग्रल ऑफ ये एक तो कट रहा है तेरा, हाँ फिर देख ये 1/(x²-a² का इंटीग्रेशन अपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, मेरे को याद नहीं है, आई थिंक 1/(2a) लॉग ऑफ x - a / x + a कुछ ऐसा था। बेटा ओए जिनका एग्जांपल 3 हो गया है या करने से मन भर गया है, उनको जाना है वो जा सकते हैं, जिन लोगों को करना है कर लो, पर बातें मत करो, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो।